नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कॉम्पिटिशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है करेंसी क्विक फैक्ट्स। तो आइए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 10 रुपए के नोट की। दोस्तों, जो 10 रुपए का नोट आया है उसका कलर रखा गया है चॉकलेटी ब्राउन। इस नोट पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के सिग्नेचर हैं। साथ ही नोट के पीछे स्वच्छ भारत का लोगो दिया गया है और मोटिव के अंदर सन टेम्पल कोणार्क का लिया गया है। जो ये सन टेम्पल है ये उड़ीसा के अंदर मौजूद है। इसकी जो डायमेंशन रखी गई है वो रखी गई है 63, तो इसकी विड्थ रखी गई है और इसकी लेंथ रखी गई है 123 mm। तो आजकल एग्ज़ाम में इनकी सिर्फ कलर या इसका मोटिव क्या है यही नहीं पूछा जाता, ये भी पूछा जाता है कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं। तो डायमेंशंस भी याद रखना ज़रूरी है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जो 10 रुपये अलग अलग भाषाओं में लिखे जाते हैं ये टोटल कितनी भाषाओं में लिखे जाते हैं। तो ये टोटल हमारे 15 भाषाओं में लिखे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन है कि पीछे नोट के जो पीछे की तरफ रुपए लिखे जाते हैं वो कितनी भाषाओं में होते हैं। तो टोटली 15 भाषाओं में होते हैं। नेक्स्ट नोट देखते हैं हमारा जो भी है। अब बात करते हैं हम 50 रुपये के नोट की। इसका कलर जो है फ्लोरसेंट ब्लू है, नीला रंग दिया गया है। साथ ही इसमें जो पीछे मोटिफ रखा है वो रखा है हम्पी विथ कैरेट। ये रहा हम्पी विथ कैरेट। स्वच्छ भारत का इसमें भी लोगो है। इसकी जो डायमेंशन रखी गई वो रखी गई 66 x 135 mm। चौड़ाई तो है 66 mm और लंबाई है 135 mm। तो इसका कलर हो गया फ्लोरसेंट ब्लू, मोटिफ हो गया इसका हम्पी विथ कैरेट और डायमेंशन हो गई 66 x 135 mm। दोस्तों, ये नोट में एक खासियत ही रहेगी बाकी सबके अलावा जो मैं अभी ये बताने वाला हूँ। एक तो इसका कलर क्या है, ब्राइट येलो है। साथ ही इसका जो मोटिव रखा गया वो है सांची का सपूत। स्वच्छ भारत का लोगो इसमें भी दिया गया है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ये दी गई है कि इसमें एक लेटर दिया गया है एच, जो बाकी नोटों में नहीं मिलेगा आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एच लेटर जो है वो 200 रुपये के नोट के अंदर है। ये जो एच लेटर है वो सिर्फ 200 रुपये के नोट के अंदर है, बाकी किसी भी नोट में लेटर नहीं मिलेगा आपको। इसकी जो डायमेंशन रखी गई है वो है 66 x 146 mm। 66 mm इसकी चौड़ाई है, 146 mm इसकी लंबाई है। तो इसमें चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कलर है ब्राइट येल्लो। इसका जो पीछे डायग्राम दिया गया है वो है सांची स्पूत, जिसका नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। 15 भाषाएं जैसे मैंने बताई कि होती है सभी नोट्स में, तो टोटली 15 है। ये भी स्वच्छ भारत का लोगो है। इसमें लेटर दिया गया है वो है एच। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एच लेटर वो है जो है वो 200 रुपये के नोट के अंदर है। साथ ही इसकी डायमेंशन हो गई 66 mm x 146 mm, 500 रुपये का नोट। इसका कलर जो है सो है स्टोन ग्रे। इसके पीछे भारत का लाल किला गया दिया है, लाल किला दिया गया है रेड फोर्ट। और इसकी डायमेंशन है 66 चौड़ाई है और 150 इसकी लंबाई है। तो 66 x 150 mm। इसमें किसी तरह का देखो लेटर नहीं दिया गया है, जैसे 200 रुपये के नोट में था। अब बात करते हैं 2000 के नोट की। हमारा गुलाबी नोट, इसके जो कलर है उसको कहते हैं मेजेंटा कलर। इसके पीछे भारत का मंगलयान दिया गया है। साथ ही स्वच्छ भारत का लोगो जो सभी नोट में है वो इसमें भी है। 15 भाषाओं में लिखा गया है इसको। इसकी जो डायमेंशन रखी गई है, सबसे बड़ा नोट है ये 66 mm, तो इसकी चौड़ाई है और 166 mm इसकी लंबाई है। तो ये थे हमारे नोट। इसके लिए हमने आगे एक टेबल बना रखी है जिससे आप इनको डायरेक्ट जा सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने पास रख सकते हैं। तो इसमें एक बार फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या था। 10 रुपये के नोट में कोई भी लेटर नहीं था, कलर था चॉकलेटी ब्राउन। इसके पीछे जो मोटिव था वो था सन टेम्पल कोणार्क, जो उड़ीसा के अंदर मौजूद है। इसकी डायमेंशन थी 63 x 123 mm। फिर हमने बात करी 50 रुपये के नोट की, इसमें भी कोई लेटर नहीं था, इसका कलर था फ्लोरसेंट ब्लू नीला रंग। साथ ही इसके पीछे जो चित्र दिया था वो दिया था हम्पी विथ कैरेट का। इसकी जो डायमेंशन थी 66
इंटू 135 mm। फिर बात करी थी हमने 200 रुपये के नोट की। इसके पीछे जो खासियत थी कि इसमें एक लेटर है फ्रंट में H। इसका कलर है ब्राइट येलो। सांचे का स्तूप दिया गया था पीछे, और इसकी जो डायमेंशन है 166 इंटू 146 mm। 500 रुपये के नोट के बारे में देखते हैं। इसमें किसी तरह का लेटर नहीं था, कलर था स्टोन ग्रे, पीछे लाल किला दिया गया था, और इसकी डायमेंशन थी 66 इंटू 150 mm। 2000 रुपये के नोट में भी किसी भी तरह का लेटर नहीं था, कलर था मैजेंटा जो पिंक का ही सब टाइप है, और इसका मोटिव था मंगलयान। ये आपको ध्यान रखना, मंगलयान 2000 रुपये के नोट के पीछे है, सन टेम्पल 10 रुपये के नोट के पीछे है, और इसकी जो डायमेंशन थी वो थी 66 इंटू 166 mm। दोस्तों इनमें देखिए 66 10 रुपये के नोट को छोड़ दें क्योंकि वो सबसे छोटा है, तो इसके अलावा जितनी भी हमारे पास जो डायमेंशन है वो है, इनकी चौड़ाई सेम है 66 66 66 mm। फर्क कहाँ आ रहा है, इनकी विड्थ में आ रहा है। एक 50 रुपये में 135, फिर 146, फिर 150, फिर 166। तो इसकी मदद से आप एक बार सीरीज को याद कर सकते हैं। बस अब 10 रुपये में नोट में ध्यान रखना है कि चौड़ाई भी कम है, तो इसकी चौड़ाई होगी 63 और इसकी लंबाई होगी 123। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो नए नोट्स के बारे में थे। अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।